Hello my YouTube family, this is Aviti and welcome back to my vlog. I hope आप सब लोग एकदम ठीक है. मैं तो बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा. कभी भी ऐसा आया कि मुझे कहीं बाहर जाना है और पैकिंग करनी है और मैं कितना भी कोशिश करूं कि नहीं सामान नहीं फैलना चाहिए, नहीं रूम साफ़ सुथरा रहना चाहिए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो पाता. आई एम वर्स्ट एट पैकिंग सीरियसली. खैर जो भी है, पैकिंग क्यों चल रही है ये मुद्दे की बात है. पैकिंग चल रही है क्योंकि मैं जा रही हूँ उज्जैन. अच्छा उज्जैन क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मेरे बीटेक फ्रेंड्स हैं अभिषेक और अभिरुचि, उनकी शादी है. यस आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं उज्जैन से शादी है. सबसे बड़ी बात, उज्जैन इज़ माई फेवरेट प्लेस. और सेकेंड थिंग इज़ कि सारे बीटेक के फ्रेंड्स आएंगे, सब लोगों से मिलूंगी. बहुत एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए. सो पैकिंग चल रही है, अभी पैकिंग कंप्लीट करते हैं और अभी दोपहर में फ्लाइट है, फ्लाइट पकड़ेंगे और चलेंगे MP. तो 2000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद, जो कि फ़्लाइट की बदौलत वैसे तो बहुत कम समय में हो गया, बट हाँ फिर भी एफर्ट्स लगाए हैं, मैं पहुँच गई हूँ उज्जैन. और दो बेस्ट फ्रेंड्स की शादी है तो इतना करना तो बनता है. सबसे पहले हम शर्मा मैम के यहाँ पर चलेंगे, वहाँ से रेडी शेडी होकर चलेंगे वेन्यू पर जहाँ पर मोटी और अभिषेक की शादी होने वाली है. फिर आज हल्दी है, हल्दी के बाद संगीत है, संगीत के बाद फिर कल इंगेजमेंट होगी और रात में शादी होगी. तो Stay tuned and watch our video till end. चुकी हूँ वेन्यू पर, इतना भाग दौड़ के रेडी हुई हूँ ना कि मैम के घर का कुछ भी शूट नहीं कर पाई. बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट यहाँ टाइम पर हूँ. अभी तक हल्दी का प्रोग्राम शुरू हुआ नहीं है तो हम चलते हैं, मिलते हैं सब लोगों से और एंजॉय करते हैं. ये करिश्मा है, मेरी बीटेक फ्रेंड. हाय हाय गाइस. और ये हमारी मोटी है, यानी कि अभिरुचि, जो कि अभी बहुत पतली लग रही है. बट ये पहले मोटी थी इसलिए इसका नाम हमने अभिरुचि से चेंज करके मोटी रख दिया था. ये तो पतली हो गई है. नहीं सच में हो गई है. अभी पहले तेल चढ़ रहा है और फिर तेल चढ़ने के बाद में फिर हल्दी चढ़ेगी. हम लोगों ने हल्दी खेल ली थी थोड़ी थोड़ी, बट मोटी को अभी भी चढ़ना बाकी है. Oh,
अभी यहाँ पे पूजा चल रही थी और जो हल्दी का पूरा सेटअप है ना वो नीचे है ग्राउंड फ्लोर पे. सो नाउ वी आर गोइंग देयर. सो दिस इज द प्लेस. यहाँ पे फूड काउंटर है. देन दिस साइड ये पूरा हल्दी का सेटअप है और इन लोगों ने फोटो खींचना शुरू कर दिया है. और मुझे बताया भी नहीं, इतने गंदे लोग हैं. अभी हल्दी और तेल का प्रोग्राम भी हो गया है और अभिषेक यानी कि हमारे दूल्हे राजा और उनकी फैमिली का वेलकम भी कर लिया हमने. अभी इसके बाद इवनिंग में संगीत का फंक्शन होगा. इसके लिए ये अभिषेक और मोटी का एक डांस मतलब प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम लोग सब मिल के. चलो अभी चलते हैं वापस. तो हम लोग जल्दी आ जाएंगे इसलिए 8 बजे तक आ जाएंगे. 8 बजे तक हम लोग आ जाएंगे है ना. चलो टाटा. संगीत का फंक्शन स्टार्ट हो चुका है क्योंकि मेरा जो सामान है सारा वो शर्मा सर के यहाँ रखा है तो उधर ही जाके फिर रेडी होकर आना था. और शर्मा सर का घर ये लोकेशन से थोड़ा सा दूर है, इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया. पर कोई बात नहीं, अभी बहुत कुछ मिस नहीं किया मैंने. ये फर्स्ट टाइम से चल रहा है अभी यहाँ पर, तो बाकी का प्रोग्राम तो हम अटेंड कर ही सकते हैं. Stumbling home, we don't know where we're going. Should have turned back hours ago. Hours ago. Out of our minds, I guess we're sleeping outside. You're still a good time, even in the cold. Get out the road, I told you. A car's coming, I stop you. Wouldn't even think about it.
दिस, संगीत का प्रोग्राम भी हो गया और जितने भी डांस हुए थे वो सब मैंने इंडिविजुअली अपलोड कर रखे हैं, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ रहा था अगर इसमें डाल रही थी तो, इसके लिए उन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए है, तो आप देख सकते हो अगर आपका मन है तो। टू है जो कि अभी थोड़ा, अरे ओ अभी तो ये सब शुरू कर। अरे अभी कर लेंगे अपन, क्या कर लेंगे रिकॉर्डिंग, रुक जा। क्यों अच्छा तो लग रहा है मोटू, एकदम दाढ़ी वाड़ी मुट्ठी अच्छी लग रही है ना, एकदम मस्त। मैंने कहा बट यार पहचान में नहीं आ रहा यार, मैं नहीं ऐसे खेल रही हूं। पहचान में और मैं तो और ना दो तीनों में देख देख ली मैं, हेमबाला हेमबाला भी नहीं पहचान पा रही है इस लड़के को। गौर से देखिए इस चेहरे को, मैं इसकी पुरानी फोटो भी अटैच करूंगी। कर लेना रुक जाओ। नेक्स्ट डे और अभी मैं शादी वाले लोकेशन पर ही हूँ और आज एंगेजमेंट हो रही है, सो चलते हैं देखते हैं। मतलब रिंग सेरेमनी होने से पहले पूजा होती है और वो पूजा मतलब दो पार्ट्स में होगी, एक बार ग्रूम बैठेगा पूजा करने के लिए और एक बार ब्राइड बैठेगी। सो दिस इज़ व्हाट गोइंग टू स्टार्ट हियर नाउ एंड इसके बाद रिंग सेरेमनी होगी। सेरेमनी तो हो गई यहाँ पर, अब रात में शादी है अभिषेक मोटी की। एक कोइंसिडेंस ये है कि मोटी के मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी भी आज ही है, दोनों की सेम डे, और मतलब सॉरी चारों की सेम डे। हाँ तो फिर यहाँ पर अभी केक वेक कट करेंगे और फिर हम चलेंगे खाना खाएंगे, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है क्योंकि फिर पार्लर जाना है, रेडी वेडी होना है, तो बहुत सारे काम है अभी। सो लेट्स गो एंड ईट फर्स्ट एंड उसके बाद आगे पार्लर चलेंगे हम।
दिस इज मोनालिसा ब्यूटी पार्लर, मतलब वन ऑफ द बेस्ट पार्लर इन उज्जैन. तो इफ यू आर प्लानिंग टू गेट अ हेयर कट और इफ यू आर न्यू टू उज्जैन एंड यू आर प्लानिंग टू गेट सम मेकअप और सम टचअप समथिंग, कम हेयर, यू विल बी सेटिस्फाइड फॉर श्योर. अभी यहाँ पर मोटी के साथ साथ मैं और हिमबाला हम दोनों आए हैं. तो हमारी ब्राइड तो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, लेकिन हम लोगों को अभी थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा. तो हिमबाला का अभी ये हेयर स्टाइल बन रहा है और मैं भी फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, फिर हम चलेंगे वापस शादी वाली जगह पर, क्योंकि बारात में थोड़ा सा डांस भी तो करना है. क्योंकि हम तो दोनों साइड से हैं भाई, अभिषेक भी मेरा फ्रेंड है और अभिरुचि तो है ही मेरी फ्रेंड. So let's get ready, फटाफट से. So my haircut is done. Now we will do makeup. तो अपन भी रेडी हो गए यहाँ पर, अब चलते हैं फटाफट से बारात अटेंड करने के लिए. और हाँ, डीजे भी आ गए, उससे भी मिलते हैं. और ये करिश्मा और ये हेमवाला और पार्टनर वाले बस पीएचडी कर आगे रहे. जो वेडिंग गिफ्ट अभिषेक और पुट्टी ओपन कर रहे हैं ना, ये डीजे का आइडिया है. सो वेट एंड वॉच क्या है इसमें. ये अभिषेक मूर्ति का स्केच, किसी से बनवाया नहीं है, डीजे ने खुद ने बनाया है. बहुत अच्छी स्केचिंग करता है ये. फिर
वरमाला होने के बाद फिर क्या, सबने खाना खाया, दूल्हा दुल्हन ने भी खाना वाना खा लिया, और इसके बाद अभी मुर्गी को रेडी कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद फेरे और वो सब चीज़ें होना बाकी हैं, तो इसके लिए मुर्गी को सब लोग मिलकर रेडी कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम चलेंगे फेरे मेरे, आज पूरी शादी अटेंड करेंगे। मतलब मैंने अभी तक ना कभी भी फेरे और वो सब चीज़ें नहीं देखी, तो इस बार मेरा पक्का डिटर्मिनेशन है कि मैं सोऊंगी नहीं और इस बार तो पूरी शादी देखनी है मेरे को। इन केस अगर आपको समझ नहीं आया कि अब यहाँ पर क्या हुआ है, तो ये जूते चुराए गए हैं अभिषेक के, ये भी एक रिचुअल ही होता है। फिर जूते वापस देंगे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे दुल्हन के भाइयों बहनों को सबको। अटेंड करके मैं जा रही हूँ घर, वहाँ घर आओ। अच्छा लग रहा है घर जा रही हूँ, बट बुरा भी लग रहा है क्योंकि सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच माई यूट्यूब फैमिली फॉर वॉचिंग टिल एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।